नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज आगामी हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म और नए दिशा निर्देश जारी किए। यानी आज से हज 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के लिए आजमीन हज मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हज 2022 के लिए हज मोबाइल ऐप को अपग्रेड किया गया है। ऐप पर आवेदन को लेकर पूरी जानकारी दी गई है। इस बार हज यात्रा के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन होगा और हज यात्रियों के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पिछले साल कोरोना की वजह से हज नहीं हो सकी थी, लेकिन 2022 में भारत की तरफ से इसमें बड़े पैमाने में लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की है कि हज यात्रा 100% डिजिटल और आसान हो। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि भारत में 2022 में हज की पूरी प्रक्रिया 100% डिजिटल होगी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा संख्या में हज यात्री भारत से भेजे जाते हैं। उन्होंने कहा कि COVID-19 और सऊदी अरब सरकार के जरिए वैश्विक महामारी के मद्देनज़र लिए गए फैसले के चलते 2020 और इस साल हज यात्रा नहीं हो पाई। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत और सऊदी अरब में हज यात्रियों के लिए COVID-19 प्रोटोकॉल और स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में हज 2022 के लिए विशेष प्रशिक्षण के प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में हज 2022 की पूरी प्रक्रिया 100% डिजिटल होगी। उन्होंने बताया कि 700 से ज़्यादा महिलाओं ने महरम के बिना 2021 में हज के लिए आवेदन किया था। करीब 2100 महिलाओं ने इस श्रेणी में 2020 में आवेदन दिया था। अगर वो हज यात्रा पर जाना चाहेंगी तो उनके आवेदन 2022 के लिए भी मान्य होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।